प्लीज हेल्प मी, पुलिस को बुलाओ। इसने मुझे कमरे में लॉक किया है और इसने मेरा फोन लिया था। मेरा फोन अभी अभी मुझे वापस मिला है। प्लीज हेल्प मी, प्लीज कॉल द पुलिस। इसकी वजह से मेरी जिंदगी तबाह हो गई है। प्लीज इसको छोड़ना नहीं, मेरी जिंदगी का जिम्मेदार है ये आदमी। खूबसूरत, दिलकश और आसमानों को चूमने वाली अनिशिया बत्रा पेशे से एयर होस्टेस थी। ऊंचाइयां उसे लुभाती थी, मगर शुक्रवार को ऐसा क्या हुआ कि जो कई हजार फीट की ऊंचाई पर भी मुस्कुराती थी, वो महज चंद फीट की ऊंचाई से कूदकर जिंदगी से हार गई। ये अजीब बात है कि जो कभी एयर टर्बुलेंस यानी हवा में होने वाली गड़बड़ियों से बिल्कुल नहीं घबराई, वो लाइफ की टर्बुलेंस से ऐसी टूट गई कि अपनी जान दे दी। तो क्या उसकी जिंदगी को उसके उसी पति ने बदरंग कर दिया जिस पर उसकी जिंदगी में रंग भरने की जिम्मेदारी थी? दिल्ली के पॉश पंचशील पार्क के इस मकान की छत पर एयर होस्टेस अनिशिया बत्रा की एक सीधी और एक उल्टी पड़ी चप्पल ये बता रही है कि अगर उसने खुदकुशी की तो कितनी बदहवासी में की, और अगर उसे ऊपर से नीचे गिराया गया तो कुछ इस तरह धोखे से गिराया गया कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। मैं अनिशिया बत्रा का भाई हूँ, जिसका मर्डर किया गया था फ्राइडे को। मेरे फादर आर्मी में है, मेजर जनरल आर एस बत्रा। उन्होंने 40 साल हमारे कंट्री का सर्व किया है और अब हम यहाँ पर ठोकर खा रहे हैं। पिछले महीने ये लोग, इसके हस्बैंड मयंक सिंह भी, फादर राजेंद्र सिंह भी और मदर सुषमा सिंह भी, स्टार्टिंग से इस पे टॉर्चर, मारपीट सब कुछ करते रहे हैं। पंचशील पार्क के जिस मकान नंबर N116 की छत से अनिशिया की गिरकर जान चली गई, उसकी ऊंचाई अंदाजन 25 से 30 फीट है। ये वही छत है जहां से अनिशिया कूदी थी, और यहां पर जो है ये बताते हैं 4 बजे के आसपास अनिशिया आई, और यहां से आपको दिखाना चाहूंगा, दरअसल ऐसे थोड़ा सा स्लांट है, इसी जगह से अनिशिया कूद गई थी, जो अभी तक की जानकारी पुलिस के पास आई है। क्या वो कूदी या फिर कोई और वजह है, जानकारी पुलिस एकत्र कर रही है, लेकिन इनिशियली पुलिस को ऐसा लग रहा है कि कूदी है, और इसी बेसिस पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। घर वालों का कहना है कि उसे उसके पति मयंक सिंघवी ने गिराया, जबकि मयंक का कहना है कि मरने से पहले अनिशिया ने अपने घर वालों की तरह उसे भी एक मैसेज किया था। तुम अब मेरा मरा मुंह देखोगे, मैं मरने जा रही हूँ। बकौल मयंक, जब उसे ये मैसेज मिला तो वो खुद घर की पहली मंजिल पर था, और मैसेज मिलते ही वो छत की तरफ दौड़ा, मगर तब तक अनिशिया छत से छलांग लगा चुकी थी, और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने उसे फौरन नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, मगर अनिशिया इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, यही वो स्पॉट है जहां पर शुक्रवार देर शाम अनिशिया की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उसके बाद परिवार वालों ने बकायदा पुलिस को इस बात की सूचना दी। अनिशिया ने जान दी या उसकी जान ले ली गई, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है, क्योंकि घर वालों और पति मयंक को किए गए मैसेज के अलावा पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस ने अनिशिया का पोस्टमार्टम करवाया, और शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक एयर होस्टेस अनिशिया की मौत छत से गिरने की वजह से हुई, मगर घर वाले लगातार डेड बॉडी का दोबारा पोस्टमार्टम कराने और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराने की मांग कर रहे थे, लिहाजा पुलिस ने अनिशिया का दोबारा पोस्टमार्टम करवाया, जिसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। आज पोस्टमार्टम होना था। पोस्टमार्टम में एसटीएम ने स्पेसिफिकली उसमें मेंशन किया था कि वीडियोग्राफी होना चाहिए। हम जब गए एम्स और वहाँ पर हमने पूछा कि वीडियोग्राफी हो रहा है, तो हमारे इंस्पेक्टर इंचार्ज ने बोला हाँ हो रहा है। फिर जब हम गए डॉक्टर से पूछा सब कुछ हो गया, वीडियोग्राफी हुआ, तो उसने बोला वीडियोग्राफी तो किया ही नहीं, और मैंने आपके इंस्पेक्टर को बताया कि वीडियोग्राफी नहीं कर रहे हैं, और उसने बोला ठीक है ना, उसने आके हमें बताया, कुछ नहीं किया। मैं तब से इनके पीछे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप जाके अरेस्ट करिए। हाँ सर, हम प्रोसेस करेंगे, हम देखेंगे, हम ये करेंगे, आप पहले ये करवा लीजिए, फिर वो करवा लीजिए, ये सारे के सारे डिले करी जा रहे हैं। मगर सवाल ये कि विदेशी एयरलाइंस में एयर होस्टेस की नौकरी करने वाली 39 साल की अनिशिया, जिसकी शादी अभी महज 2 साल पहले ही हुई थी, उसने अगर खुदकुशी की तो क्यों की?
अगर दिल्ली में रहने वाले उसके इन्वेस्टमेंट बैंकर पति मयंक सिंघवी ने उसकी हत्या की तो क्यों की? हालांकि अनिशिया के परिवार वाले हैं, उनका आरोप है कि अनिशिया की हत्या हुई है। उनका जो अनिशिया है उसके पति मयंक सिंघवी से लगातार शादी के बाद से ही विवाद चल रहा था और एक बार मामला थाने भी पहुंचा था। मौत के पहले अनिशिया ने कई लोगों को, अपने पहचान वालों को बकायदा मैसेज भी किया था कि वो एक बड़ा स्टेप लेने जा रही है, एक बड़ा कदम लेने जा रही है।